नमस्कार, आप देख रहे हैं सीएमएन न्यूज। मैं हूं आपके साथ कनिका। तो चलिए शुरुआत करते हैं कुछ अहम खबरों के साथ। उत्तर प्रदेश में 2022 का विधानसभा चुनाव है, उसी को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों के नेता ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं, दौरे कर रहे हैं। इसी क्रम में मुरादाबाद पहुंचे समाजवादी पार्टी के पूर्व कैबिनेट मंत्री व सदस्य राष्ट्रीय कार्यकारिणी राम आश्रय विश्वकर्म, जहाँ उन्होंने मुरादाबाद में समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं को चुनावी मंत्र दिया। उन्होंने मीडिया से मुखातिब होते हुए भारतीय जनता पार्टी पर भी जमकर निशाना साधा और उन्होंने समाजवादी की उपलब्धियां भी गिनवाई। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि यूपी में समाजवादी सरकार आने पर 300 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी और 22 लाख नौजवानों को रोजगार दिया जाएगा। ये तो आप लोग खुद तय कर सकते हैं किसके लिए काम कर रहे हैं। जो भाषा ये भारतीय जनता पार्टी के लोग बोलते हैं, अगर वही भाषा वो भी बोलेंगे तो क्या माना जाएगा? तो माना जाएगा कि बीजेपी की मदद कर रहे हैं। हम तो चाहते हैं कि वो हमारी मदद करे, लेकिन हमारी न मदद करके वो बीजेपी की मदद कर रहे हैं। तो क्यों नहीं कर सकते? मुरादाबाद में एक जनसभा पे हैं, अखिलेश यादव पे आरोप लगाया है कि अखिलेश यादव आरएसएस के लिए काम कर रहे हैं, वो आरएसएस के सहयोगी। वो झूठ बोल रहे हैं और गलत बयानी कर रहे हैं। इस उत्तर प्रदेश की धरती पर सबसे ज़्यादा सामुदायिक ताकतों से लड़ने का काम अगर किसी ने किया है भारतीय जनता पार्टी और सामुदायिक ताकतों से, तो माननीय नेताजी, माननीय अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के लोगों ने लड़ने का काम किया है। और सबसे ज़्यादा मुकदमे इसी आंदोलन की वजह से, लड़ाई की वजह से समाजवादी पार्टी के लोगों पर लगा, समाजवादी पार्टी के लोग जेल गए हैं इन सामुदायिक ताकतों से लड़ते हुए। भाजपा का ये कहना है कि 300 यूनिट बिजली फ्री देने का समाजवादी सरकार पर कोई ना कोई प्लानिंग है, ना कोई प्लान है, जिससे राजकोष खाली हो जाएगा और जनता पे बोझ पड़ेगा। तो ये उनको कैसे मालूम हो गया? वो सत्ता से हटे, हम 300 यूनिट बिजली भी देंगे, मुफ्त पढ़ाई देंगे, मुफ्त दवाई देंगे, मुफ्त सिंचाई करेंगे, मुफ्त एम्बुलेंस देंगे, मुफ्त लैपटॉप बांटने का काम करेंगे। जिस प्रकार 2012 से 2017 के बीच में माननीय अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहते हुए देने का काम किया था, आगे भी देंगे। 300 यूनिट बिजली भी देंगे, ये कर्मचारियों का पुरानी पेंशन योजना को बहाल करेंगे, कैशलेस इलाज करेंगे, जनता को जितनी सुविधाएं हैं समाजवादी पार्टी की सरकार में देने का काम किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी कुर्सी से हटे, भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश की जनता को लूटने का काम किया है, परेशान करने का काम किया है। इसीलिए आज भारतीय जनता पार्टी के विधायक, भारतीय जनता पार्टी के सांसद और बीजेपी के प्रत्याशी गांव में जाने पर जनता उन्हें खदेड़ रही है, उन्हें जो है कहीं पीट रही है, कहीं खदेड़ रही है। जनता इतनी नाराज है बीजेपी से। पार्टी ने कई नेताओं ने बात शुरू कर दिया, क्या इससे अखिलेश यादव की मुश्किलें बढ़ेंगी? क्या कहने, फिर से पूछिए। शिवपाल यादव की पार्टी के कई नेताओं ने बगावत शुरू कर दी है, क्या इससे अखिलेश यादव की मुश्किलें बढ़ेंगी? माननीय शिवपाल यादव जी का पार्टी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के गठबंधन में है और उन्होंने समाजवादी पार्टी बिजली जहां तक पहुंचाने की बात है वो भी पहुंचा दी गई है। भारतीय जनता पार्टी के सारे काम और वादे केवल कागजों पर है, जमीनी हकीकत में या जनता के बीच में एक भी काम उनका कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। जहाँ तक बिजली की बात कर रहे हैं, बिजली तो समाजवादी पार्टी की सरकार की है। जो बिजली उत्पादन के पावर प्लांट लगाए गए थे और पुराने पावर प्लांट की क्षमता माननीय नेताजी के, माननीय श्री अखिलेश यादव जी के सरकार के कार्यकाल में बढ़ाई गई थी, और 2016 में उत्तर प्रदेश को 24 घंटे बिजली देने का काम समाजवादी पार्टी सरकार में किया गया था। हम भारतीय जनता पार्टी के नेता और मुख्यमंत्री से पूछना चाहते हैं कि वो बताएं कि 5 वर्ष बीजेपी के सरकार के कार्यकाल में एक भी यूनिट बिजली पैदा करने का पावर प्लांट उन्होंने एक भी अगर कोई लगाया हो तो नाम बता दें। तो सारी बिजली तो समाजवादी पार्टी की सरकार के पैदा की हुई, जो उत्तर प्रदेश को दिया जा रहा है। और हमारे नेता श्री अखिलेश यादव जी ने कहा कि इस बार अगर सरकार बनेगी तो प्रत्येक परिवार को हम 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने का काम करेंगे, किसानों को मुफ्त सिंचाई और सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली देने का काम करेंगे।
महिलाओं को समाजवादी पेंशन 18,000 रुपया सालाना देने का काम समाजवादी पार्टी की सरकार में किया जाएगा। नौजवानों को सरकारी नौकरियों में लाखों नौजवानों की भर्ती की जाएगी। जितने भी भाजपा सरकार में सरकारी पदों के पद जो रिक्त हैं उनको विज्ञापित किया जाएगा। बीजेपी ने एक भी कोई भर्ती पूरी नहीं की। सारे भर्ती या सारे इनके नियुक्तियां सब किसी न किसी कारण से, चाहे पेपर लीक होने की वजह से या एग्जाम में घोटाले की वजह से, सारी लंबित पड़ी हुई हैं। समाजवादी पार्टी सरकार बनने पर उन सभी को, नौजवानों को भर्ती करके उनको नौकरी देने का काम किया जाएगा। अकेले आईटी सेक्टर में 22 लाख रोजगार पैदा करके 22 लाख नौजवानों को रोजगार देने का काम समाजवादी पार्टी सरकार किया जाएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें।